अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास प्रेसी राइटिंग के ऊपर है और प्रेसी राइटिंग को हमने किस तरह टैकल आउट करना है, आज मैं तकरीबन आपको मुकम्मल स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ। प्रेसी राइटिंग वही बच्चा बेहतर कर सकता है जिसकी रीडिंग अच्छे से अच्छी होगी। अब देखें, प्रेसी राइटिंग का सिर्फ रूल्स याद करना, मैं नहीं समझता कि कोई बच्चा सिर्फ रूल्स से याद करके प्रेसी को निकाल सके, ये पॉसिबल नहीं है। आज का लेक्चर उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी अच्छे से अच्छी रीडिंग है, फिर वो इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करके प्रेसी राइटिंग को टैकल आउट कर सकता है। और जिन बच्चों को अच्छे से अच्छी रीडिंग नहीं है तो फिर इन रूल्स को सामने रख के इनको रीडिंग को एक्सटेंसिव बनाना पड़ेगा। तो प्रेसी राइटिंग असल है क्या, हकीकत क्या है? प्रेसी का मतलब होता है समराइज करना, टू शॉर्टन, टू कंसाइज करना। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक बहुत ही बड़ा पेज दिया हुआ है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ इस चीज का मेन मकसद बताएं, इसमें क्या लिखा हुआ है। तो प्रेसी राइटिंग जो है मकसद बताने का एक तरीकेकार है। मकसद वही बता सकता है जिस बंदे की अच्छी खासी एक्सपीरियंस और रीडिंग स्किल्स स्ट्रांग होती है। तो आइए आज प्रेसी के कुछ रूल्स देखते हैं कि प्रेसी आपने इम्तिहान में कैसे टैकल आउट करनी है। देखिए, आपके पास एक पेज आपको सामने आ रहा है जिसमें तकरीबन एक फुल पेज जो है भरा हुआ है। आपने जैसे ही प्रेसी को टैकल आउट करना है तो पहला स्टेप आपने ये अप्लाई करना है, काउंट द वर्ड्स। आपने जब प्रेसी करनी है तो सबसे पहला स्टेप जो है आपने वर्ड्स को काउंट शुरू करना है। जब जैसे आप वर्ड्स काउंट करेंगे तो आपको एक अंदाजा होगा कि इस पूरे पैसेज का जो मकसद है मुझे 1/3 करके लिखना है, क्योंकि प्रेसी के अंदर 1/3 कभी मेंशन्ड होता है, टाइटल में कभी नहीं होता, तो आपने 1/3 ही करना है क्योंकि ये रूल है। सपोज करें आपने वर्ड्स काउंट किए 200, अब इनको आपने डिवाइड करना है 3 के साथ। अब 200 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो जितना अमाउंट अब बाकी बचता है, यानी कि बाकी जितने थर्ड करेंगे तो उन वर्ड्स की आपने प्रेसी बनानी है 200 वर्ड्स में से। अब बाकी वर्ड्स कहाँ जाएंगे, तो ये भी सवाल खड़ा हो सकता है। तो बाकी वर्ड्स आपने इलिमिनेट करने हैं, यानी कि रिमूव करने हैं। वो कौन से वर्ड्स रिमूव करने, हमें क्या पता। तो मैंने यहाँ पे कुछ चीजें मेंशन की हुई हैं, यहाँ पे मैंने वो चीजें बता दी हैं, जैसे इडियम्स हो गए, फ्रेज हो गए, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सब्जेक्ट हो गया, वो कैसे हमें पहचानना चाहिए, तो मैं अभी इसी क्लास के अंदर बताने जा रहा हूं। सबसे पहले जैसे ही आपने वर्ड्स को काउंट किया आपको अंदाजा हो गया, फिर आपने क्या करना है, नॉन सीरियस रीडिंग। इस पैसेज के ऊपर आपने नॉन सीरियस रीडिंग करनी है। नॉन सीरियस रीडिंग क्या होती है, जस्ट आपने इसको क्विकली 1-2 मिनट के अंदर सारा पढ़ लेना है। फिर आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाएगा कि ये जो टाइटल है, यानी ये जो आर्टिकल है, इस टॉपिक के मुताबिक लिखा हुआ है। सिर्फ आपको ये समझना है कि फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट चेंज हो गया, या ग्लोबल वार्मिंग है, कोई सोशल इशू है, एजुकेशन के ऊपर है, आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई ये जो आज का प्रेसी है इस टॉपिक के ऊपर मबनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे आपने काउंट किए वर्ड्स, फिर आपने जैसे नॉन सीरियस रीडिंग करी, आपने सीरियस नहीं लेना यार, मुझे समझ नहीं आ रहा, नो इशू। फिर आपने क्या करना है, इसी सेम पैसेज को 2 टाइम्स पढ़ना है। इस 2 टाइम्स रीडिंग को एक्सटेंसिव रीडिंग कहा जाता है। आपने इसको क्या करना है, 2 बार फिर से हल्की सी रीडिंग दे देनी है, यानी आपने क्या करना है, इसको 2 बार पढ़ लेना है। जैसे आप 2 बार पढ़ेंगे तो आपको फुल कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि यार ये तो अभी मुझे समझना आ गया है, तो आप समझने में आपको तकलीफ नहीं होगी। फिर आपने क्या करना है, जैसे आपने 2 बार पढ़ लिया, ये रूल्स हैं, ये प्रेसी के टैकल आउट करने के रूल्स हैं। फिर नंबर 4 पॉइंट है कि आपने इसी पैसेज को फिर सेंटेंस बाय सेंटेंस पढ़ना है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है, रुक रुक के पढ़ना है, ताकि आपको अब फुल कॉन्फिडेंट आ जाए। वैसे प्रेसी राइटिंग 20 मार्क्स का पेपर होता है,
कॉम्प्रिहेंशन 20 मार्क्स का होता है। तो प्रेसी जिसकी अच्छी होती है तो उसको काफी चांसेस होते हैं। अब उसके बाद आपने क्या किया, जैसे ही आपने लाइन बाय लाइन रीडिंग की इस पैसेज की, उसके बाद आपने क्या करना है, आपको पूरा अंदाजा हो जाएगा कि ये आर्टिकल इसके मुताबिक लिखा हुआ है और मुझे अब प्रेसी इसके ऊपर बना लिया। फिर आपने क्या करना है, फिफ्थ स्टेप, टाइटल ढूंढना है, क्योंकि पैसेज में टाइटल नहीं दिया होता ऊपर कि किसके बारे में लिखा हुआ है, वो आपका काम होता है ढूंढने का। आपने टाइटल ढूंढना है, तो टाइटल आपको कहां मिल सकता है, टॉप ऑफ द सेंटेंस, पहला सेंटेंस आप देख लेंगे वहां पे मौजूद होता है टाइटल, या आपको मिडिल ऑफ द पैराग्राफ यानी पैसेज के अंदर मिल सकता है, या एट द एंड यानी के कंक्लूडिंग रिमार्क्स जैसे देते हैं। जाहिर सी बात है, कंक्लूड किसको किया जाता है, जो आप ऊपर बात करके आते हैं, तो आखिर में जो है कंक्लूडिंग रिमार्क्स लिखे जाते हैं। तो आपको टॉपिक जो है, टाइटल जो है प्रेसी का, तीन जगहों पे मिल सकता है, टॉप ऑफ द पैसेज, मिडिल में, या तो एंड में मिल सकता है। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। फिर आपने सिक्स स्टेप क्या करना है, जैसे आपने टाइटल ढूंढ लिया, आपने अब क्या करना है, स्टार्ट शिफ्टिंग। अब आपने वो सेंटेंसेस सिलेक्ट करने, शिफ्ट करने, शिफ्ट का मतलब है स्टार्ट चूजिंग जो रिलेवेंट सेंटेंसेस हैं अकॉर्डिंग टू टाइटल। जो आपने टाइटल ढूंढ लिया, फॉर एग्जांपल एजुकेशन के ऊपर टाइटल है, और इस पैसेज में जितने भी सेंटेंसेस एजुकेशन से रिलेटेड है आपने उनको हाईलाइट करना है। जैसे ही आपने ये काम किया, स्टार्टेड शिफ्टिंग अकॉर्डिंग टू टाइटल के मुताबिक, फॉर सपोज 20 सेंटेंसेस हैं इस पैराग्राफ में, आपको 10 सेंटेंसेस जो है रिलेटेड टू टॉपिक सेंटेंस मिल गए, आपने उनको क्या किया, हाईलाइट कर दिया। फिर आपने क्या करना है, अब जैसे ही आपने ये स्टार्ट किए शिफ्टिंग, अब आपने ये चीजें रिमूव कर देनी है अपने पैसेज से, ताकि वो इरेलीवेंट सेंटेंस हो जाते हैं, यानी वो आपके काम के नहीं है, आपने उसको हटा देना है, क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं। रिमूव इडियम्स, इडियम्स आपने रिमूव कर देने हैं पैसेज से, रिमूव कर देने हैं, यानी कि आपने वहां पे जाना ही नहीं है। फ्रेजेस, फ्रेजेस क्या होते हैं, प्री पर्सनल फ्रेज हो गया, एडवर्बल फ्रेज हो गया, कंजक्टिव एडवर्बल फ्रेज हो गया, तो ये जो है फ्रेजेस आपने, इन्फिनेटिव फ्रेज है वो आपने निकाल लेने हैं, क्योंकि ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है किसी सब्जेक्ट के बारे में। फिर आपने नॉन एसेंशियल स्टेटमेंट्स, आपने इनको भी आपने रिमूव कर देना है। नॉन एसेंशियल क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताना शुरू कर दिया, वो जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है सब्जेक्ट के हवाले से वो आपका है नॉन एसेंशियल आइडिया। फॉर एग्जाम्पल, अली हुज माई फ्रेंड इज वेरी टैलेंटेड, अब हुज माई फ्रेंड जो है ना, ये अली के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो आप अली के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। इज टैलेंटेड आपका सेंटेंस होगा, आपने कहना है अली इज टैलेंटेड, बस हुज माई फ्रेंड लगाने की कोई जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल माई फ्रेंड हुज असिस्टेंट डायरेक्टर, अब ये देखे माई फ्रेंड तो हो गया, अब असिस्टेंट डायरेक्टर जो है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, इस चीज को भी आपने सेंटेंस से हटा देना है। सिर्फ और सिर्फ आपने माय फ्रेंड इज असिस्टेंट डायरेक्टर लिखना है, क्योंकि ये भी आपको मुकम्मल मैसेज देने जा रहा है। अब आपने क्या करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं। जैसे ही आपने स्टार्ट शिफ्टिंग कर दिया, यानी आपने रिलेवेंट सेंटेंसेस को हाईलाइट कर दिया, अब इन हाईलाइटेड सेंटेंसेस को, यानी कि रिलेवेंट सेंटेंसेस को किसके मुताबिक रिलेवेंट, जो आपने टाइटल ढूंढ लिया है, फॉर सपोज एजुकेशन है, अब इसके सेंटेंसेस को आपने रफ ड्राफ्ट जो है उसके ऊपर लिखना है। रफ ड्राफ्ट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपको एट द एंड ऑफ कॉपी जो आप पैसेज लिखते हैं, यानी जो जिसके ऊपर कंपोजिशन पेपर लिखते हैं एग्जाम का, उसके लास्ट में आपने रफ ड्राफ्ट बनाना है। रफ ड्राफ्ट में क्या करना है, ये जो शिफ्टेड सेंटेंसेस है वो लेकर आने हैं। जैसे ही आपने रफ ड्राफ्ट के ऊपर शिफ्टेड सेंटेंसेस ले आए, अब आपने क्या करना है, इन शिफ्टेड सेंटेंसेस के आपने वर्ड्स जो है वो चेंज करके सिनोनिम करने हैं। अब कोई आपको मुश्किल नहीं लगेगी, क्योंकि इसका मतलब होता है वर्ड्स वही हो, मतन वही हो, आपने सिर्फ बात को चेंज करना है।
यानी कि आपने वही बात जो दूसरे वर्ड्स के में आकर करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा, यहाँ पे आपने वर्ड शिफ्टेड सेंटेंस में ले आए इफेक्ट्स, इफेक्ट्स को आप लिखेंगे इम्प्लीकेशंस। फिर आपने रखना है कि ऑयल प्राइसेस इंक्रीज्ड, तो आपने रखना है ऑयल प्राइसेस जैक्ड अप। ये आपने वर्ड चेंज करने हैं। जैसे ही आपने ये वर्ड चेंज करेंगे तो जो वर्ड्स हैं वो आपको सेम मीनिंग देंगे, यानी कि सिनोनिम्स आपने इनके बनाने हैं। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने ये करना है कि जो सिनोनिम्स हैं वो आपने जब चेंज कर दिया, अब आपने पूरे पैसेज के जो शिफ्टेड सेंटेंसेस हैं इनके आपने क्या करना है कि रफ वर्ड्स काउंट करने, काउंट द वर्ड्स। अब आपने वर्ड्स को काउंट करना है, क्या वर्ड्स को काउंट करना है, जैसे आपने वर्ड्स की काउंटिंग स्टार्ट करनी है, अब आपका ये है कि आपने मेजर करना है कि आपने फॉर एग्जांपल 200 वर्ड्स का पैसेज बनाना था प्रेसी राइटिंग का, तो प्रेसी में आपने थर्ड करके जितने वर्ड्स आ गए, सपोज करें आपके सपोज करते हैं 50 वर्ड्स आ रहे हैं, तो आपने क्या करना है 50 वर्ड्स के प्रेसी बनानी है। तो इस स्टेटमेंट्स की जो प्रेसी है आपने वो चीज़ आपने यहाँ पे फेयर ड्राफ्ट के अंदर लेकर आनी है। फेयर ड्राफ्ट के अंदर अगर आपके वर्ड्स 50 से 5 वर्ड्स कम होते हैं या 3 वर्ड्स कम होते हैं तो कोई इशू नहीं है, अगर बढ़ भी जाते हैं देयर इज नो इशू इन इट। फिर आपने क्या करना है, आइए मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने फेयर ड्राफ्ट बनाया, अब इसको रफ ड्राफ्ट को आपने चेंज करना है फेयर ड्राफ्ट के ऊपर। जब आप प्रेसी बनाएंगे फेयर ड्राफ्ट आपने जरूर मेंशन करना है ताकि अगले चेकर को पता हो कि आपने अब ये फेयर ड्राफ्ट बना के मुझे दिखाने के लिए दे दिया है। आपने जैसे ही आपने फेयर ड्राफ्ट बनाया तो समझ ले आपकी काउंटिंग भी हो गई, आपका लास्ट जो है पैसेज प्रेसी का ये बन गया। अब उसके बाद आपने क्या करना है, व्हाट टू अवॉइड इन प्रेसी राइटिंग, प्रेसी राइटिंग के अंदर कौन सी चीज आपने अवॉइड करनी है जो आपको नहीं लिखनी चाहिए, तो आइए अब उनकी तरफ बढ़ते हैं। अब देखें व्हाट नॉट टू राइट इन प्रेसी राइटिंग। नंबर वन पॉइंट मैंने ये बताया प्रेसी राइटिंग के अंदर कि अवॉइड राइटिंग टाइटल इन ईडियम आर वन वर्ड। आपने जो टाइटल है ना प्रेसी राइटिंग का, अवॉइड करिएगा ईडियम यूज करने से, क्योंकि ईडियम का मतलब कोई एक नहीं होता, बहुत सारे मतलब निकल सकते हैं। तो जब राइटर जब चेकर आपका पेपर प्रेसी चेक करता है तो उसको ये नहीं होता कि आपने किस सेंस के अंदर लिखा है, यानी उस चेकर ने हो सके वो ईडियम किसी और सेंस के अंदर पढ़ा हो। जैसे आपने ये ईडियम्स जो है अवॉइड करना है अपनी प्रेसी राइटिंग के अंदर, तो ईडियम्स नहीं लिखना है और वन वर्ड आपने कभी भी टाइटल यूज नहीं करना है। नेवर यूज वन वर्ड टाइटल इन इन प्रेसी राइटिंग। जैसे सिर्फ आपने लिखा एजुकेशन, इस्लाम और क्लाइमेट, इस तरह नहीं, एटमॉस्फेयर, इस तरह नहीं होना चाहिए। टाइटल बिल्कुल कंप्रेहेंसिव होना चाहिए। फॉर एग्जांपल वे फॉरवर्ड ऑफ एजुकेशन, या आप लिखेंगे हाउ एजुकेशन इम्प्रूव्स इकॉनमी, या वो आपका खुद जो है इसी सेंस के अंदर मौजूद होता है, तो आपने वन वर्ड टाइटल से अवॉइड करना है। नंबर टू आपने क्या करना है, अवॉइड कॉपिंग स्टेटमेंट्स। आपने प्रेसी राइटिंग के एग्जैक्ट सेंटेंसेस जो है नहीं लिखने हैं। एग्जैक्ट सेंटेंसेस आप जब लिखना शुरू करेंगे एक बहुत ही बुरा इफेक्ट आपके प्रेसी राइटिंग के अंदर आएगा, क्योंकि वो राइटर समझ जाएगा कि इस बंदे के पास नॉलेज नहीं है। जब नॉलेज नहीं है तो जाहिर सी बात है अगला बंदा पास करने से अवॉइड करता है। इस चीज को बेहतर बनाने के लिए वोकैबुलरी का सहारा लेना चाहिए। फिर आपने क्या करना है, नो क्रिटिसिज्म। आपने कोई भी क्रिटिसिज्म नहीं करनी है प्रेसी राइटिंग के अंदर, एग्जैक्ट जो वर्ड्स लिखे हुए हैं आपने वही चीज़ें मेंशन करनी है। फॉर एग्जांपल जैसे आपने कोई पाकिस्तान की आर्मी के बारे में लिखा हुआ, आपने कोई चीज़ देखी, आपने अपनी तरफ से कोई एडवाइस वगैरह नहीं देनी है। अगर प्रेसी राइटिंग के अंदर कह रहे हैं कि ये दिन है तो आपने वो दिन ही लिखना है, आपने नहीं कहना है कि मैं रात को पेपर दे रहा हूँ। आपने जो चीज मेंशन आपके पेपर में है आपने वही मेंशन चीज करनी है। तो नो क्रिटिसिज्म, पॉलिटिशियंस पे भी नहीं, मिलिट्री पे नहीं, जो चीज लिखी हुई है उसी के ऊपर आपने बात करनी है। अवॉइड यूजिंग इडियम्स एंड बम्बास्टिक लैंग्वेज। आपने प्रेसी राइटिंग के अंदर बम्बास्टिक लैंग्वेज इम्प्रेस करने के लिए लिखने से गुरेज करिएगा।
क्योंकि जब आप ये चीजें लिखते हैं तो अगला बंदा समझता है कि मुझे ये पागल बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि मैं इसको मार्क्स दूं। तो आपने बिल्कुल सिंपल वर्ड्स का सहारा लेना है। फिर आप आखिर में क्या करना है, डोंट यूज मैनी टाइटल्स। आपने टाइटल्स ज्यादा भी नहीं लिखने हैं, जब ज्यादा लिखेंगे एक ही टॉपिक के टाइटल्स तो अगला समझ जाएगा कि इसको कॉन्फिडेंस नहीं है, इसने टॉपिक को नहीं समझा है, दो तीन टाइटल्स लगा के मुझे इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। तो यू आर सपोज टू अवॉइड यूजिंग मैनी टाइटल्स इन प्रेसी राइटिंग। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं ताकि आपको इस चीज का अंदाजा हो जाए। प्रेसी राइटिंग के अंदर आपने ये चीज भी अवॉइड करनी है। क्या? नंबर वन, आपने पर्सनल प्रोनाउन से अवॉइड करना है। पर्सनल प्रोनाउन यूज नहीं करिएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई लिखा हुआ है, माई लिखा हुआ है, और सेकंड पर्सन वी, ये यू, आपने ये चीजें अवॉइड करनी है। इसकी जगह आपने ये करना है वन, वन शुड गो टू, वन शुड, दैट शुड, इस तरह के आपने स्टेटमेंट्स बनानी है। ये जो प्रेसी है, प्रेसी इज वन ऑफ द बेस्ट आर्ट्स टू बी रिटन। ये वही बंदा अच्छे से बना सकता है जिनकी रीडिंग स्किल्स के ऊपर काफी कमांड होती है। तो आई होप यू हैव गॉट माई लेक्चर। इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होने वाला है। और रात के टाइम पे मैं एक पैसेज दूंगा, आपने उस पैसेज को अच्छे तरीके से बनाना है। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।